तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रेड सॉस स्पैगेटी की रेसिपी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके लिए बनाना पड़ता है रेड सॉस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि, रश्मि स्कूल मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं रेड सॉस से। तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, इनमें हमें अब कट लगाना है। कट लगाकर हमें इसको बॉयल करना है। तो कट देखिए कैसे लगाना है, बीच से ऐसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमें कट लगा देने हैं। इस तरीके से जब हम कट लगाकर टमाटर को बॉयल करते हैं तो स्किन बहुत आराम से निकल जाती है। ठीक ऐसे ही मैं सारे टमाटर्स में कट लगा दूंगी। कट लग चुका है ये देखिए। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। एक पैन में हमें पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। अब हम इसमें बारीक बारीक से सारे टमाटर को सेट कर देंगे और इसमें अब हम डालने वाले हैं खड़ी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ऊपर से डंडी निकाल कर डाल दी है। लहसुन की 6-7 कलियाँ डाल दी है, अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है। स्किन अलग हो चुकी है ये देखिए। अब हमें इसको ठंडे पानी में डालना है। तो ठंडे पानी में डालने से क्या होता है कि टमाटर एकदम से शॉक लगता है और उनकी स्किन आसानी से निकल जाती है। तो स्किन अलग हो चुकी है, अब बस हमें निकाल लेना है। टमाटर ठंडे भी हो चुके हैं, बस फटाफट इसकी स्किन को हमें निकाल देना है। तो बहुत आसानी से निकल जाती है। इस तरीके से हम सारे टमाटर जो है उनकी स्किन निकाल देंगे। तो थोड़ी गर्म है, अब हमें एक मिक्सी के जार में इसको डाल देना है। इसके साथ हम डाल देंगे अपनी वो जो लाल मिर्च थी और लहसुन, उसको भी डाल दिया है, ग्राइंड कर लिया है। तो सॉस बनकर रेडी हो गया है, इसको रख देते हैं। अब ले लिया है एक बड़ा बर्तन, इसमें डाल दिया है पानी, क्योंकि अब हम जा रहे हैं करने बॉयल स्पेगेटी। तो पानी आधा से ज्यादा ले लिया है, इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक। थोड़ी देर ढक दिया है जिससे पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। इसी समय हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। तो पानी देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी स्पेगेटी पास्ता। तो ये स्पेगेटी ले ली है, अब हमें इसको तोड़ना नहीं है। मैं बताती हूँ कैसे डालना है। सबसे पहले सारी स्पेगेटी को हम अच्छे से हाथ में पकड़ लेंगे। ऐसे डालने के बाद हमें इसको हल्का सा राउंड शेप में घुमा देना है। देखिए अभी बताती हूँ कैसे करना है। इस तरीके से दबाते हुए हल्का सा घुमाकर हमें इसको छोड़ना है। इससे क्या होगा, स्पेगेटी चारों तरफ फैल जाएंगे और हमें इसको तोड़ने की जरूरत नहीं। इसी छोटे से बर्तन में ही देखिएगा स्पेगेटी कितने अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएंगे। अब नीचे की सॉफ्ट हो चुकी है, हल्का हल्का सा हमें इनको दबाते जाना है जिससे कि जो भी हमारी साइड्स निकली है वो अंदर चली जाए। इस तरीके से दबाते हुए हमें सारी स्पेगेटी को धीरे धीरे अंदर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी स्पेगेटी टूटती भी नहीं है और पूरी हमारी अच्छे से बॉयल भी हो जाती है। बस हल्के हल्के ऐसे देखिए ऐसे कर दिया है। तो जब भी आप बॉयल करें एक बड़ा ही बर्तन लें स्पेगेटी बॉयल करने के लिए। अच्छा सा फ्लावर जैसा बन गया है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस हल्के हाथों से, अब क्योंकि गर्म हो गया है अब हम पास से नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा स्पून ले लिया है। इसे हम इसको ऐसे दबा देंगे, देखिए हल्के हल्के हाथों से, जिससे स्पेगेटी टूटे नहीं। फ्लेम को कर देंगे लो। अब सारी स्पेगेटी अंदर से अच्छी तरीके से पकने लगी है, ये दिखाती हूँ अभी मैं आपको पास से। तो पहले सारा अंदर कर देती हूँ। तो बस ये देखिए बच्ची थोड़ी सी इसको भी कर दिया है। तो ऐसे राउंड शेप में घुमाकर आप जब डालेंगे तो स्पेगेटी बहुत अच्छे से अंदर पूरी अच्छे से पानी में डिप हो जाएगी। बॉयल आ चुका है, हमें इसको पूरा अच्छी तरीके से नहीं पकाना है, 80% ही पकाना है, क्योंकि जब जिस समय हम फ्राई करेंगे उस समय भी ये अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट ही हमें इसे अच्छे से बॉयल करना है। तो निकाल कर ये देखिए दिखा देते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसी हो गई है, पक चुकी है स्पेगेटी। अब हमें इसको हल्का सा तोड़ कर देखना है। ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ, तो आपको कलर चेंज होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। तो बस इसी समय हमें गैस को कर देना है ऑफ। देखिए एक निकाल के दिखाती हूँ, इसको हल्का सा ऐसे हाथ से आप दबा कर देखेंगे, बहुत आराम से टूट जाती है ये देखिए ऐसे। तो बस पक गई है, इसी समय हमें गैस को कर देना ऑफ, नहीं तो आपकी स्पेगेटी पूरी तरीके से गल जाएगी। तो बस अब इसको हमें एक छन्नी में डालकर निकाल लेना है। तो अभी भी गर्म है तो हमको इसकी कुकिंग प्रोसेस को भी स्टॉप कर देना है, रोक देना है। तो बस अब हम ले लेते हैं एक छन्नी और इसमें डालकर हम इसको छान लेंगे। तो नीचे कोई बड़ा बर्तन रख लिया, ऐसे छान देंगे, जो भी इसका गर्म वाला पानी है वो निकल जाएगा। बस धीरे धीरे इसको हमें छान देना है। तो आपके पास कोई बड़ी छन्नी हो आप उससे भी छान सकते हैं। तो बस अब छान कर इसको रख देते हैं एक साइड में। अब दूसरी तरफ इसमें हमें क्या करना है, देखिए पूरी तरीके से छन गई है, जो भी गर्म पानी है उसको हम नीचे से फेंक देंगे और जो स्टीम निकल रही है इससे स्पेगेटी की जो कुकिंग
जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। बस हमें थोड़ा सा इसके ऊपर से डाल देना है ठंडा पानी। आप चाहें तो ऐसे ही फैला कर रख दें, उससे भी इसकी स्टीम निकल जाती है और ये ठंडी हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से ठंडा पानी चारों तरफ घुमा के डाल देती हूँ। ये देखिए बस डाल दिया है। इससे क्या होगा, जैसे मैंने पहले बोला ना कि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और जितनी स्पेगेटी पकी है उतनी ही नहीं तो ये टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगी तो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस हल्का सा ऐसे ऐसे शेक कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा पानी है निकाल दिया है। अब इसको हम रख देंगे एक साइड में और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, ये देखिए लोहे की कढ़ाई ली है। आपके पास अगर नॉन स्टिक है तो आप वो ले सकते हैं। इसमें डाल दिया है ऑलिव ऑयल और इसमें अब हम डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और प्याज। जो हमारे इटालियन स्पेगेटी बनती है वो सिर्फ गार्लिक लहसुन और बनती है, उसका फ्लेवर ना रहे इसको इंडियन स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया, उसको भी हल्का सा भून लिया है। इसके साथ डाल दिया है कटी हुई शिमला मिर्च। अब हम डाल देंगे सब्जियों में, हम डाल देंगे गाजर। तो यहाँ पर मैंने लंबी लंबी गाजर काट ली है। आपके पास अगर लाल पीली शिमला मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। सब्जियाँ पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपको जो भी खानी है आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च, प्याज और गाजर का ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरीके से हमें इसको पकाना है। इसके लिए हम इसके ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे नमक, जिससे कि सब्जियाँ हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट रहें, थोड़ी सी क्रंची रहें। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इसको लगातार चलाते हुए हमें इसको पकाना है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो सब्जी हमारी सॉफ्ट रहेगी। तो लगातार हाई फ्लेम करके हमें इसको ऊपर नीचे करते हुए पका लेना है। तो ऑलमोस्ट हमारी सब्जियां पक चुकी हैं। ये देखिए कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमने जो सॉस बनाकर रख लिया है वो हमें डालना है। तो बस देखिए फाइनल पहुँच गए। ये देखिए सब्जी अच्छी तरीके से पक चुकी है, ऑयल अलग हो गया है, इसका मतलब जो भी पानी था सब्जियों का वो सूख चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें अपना रेड सॉस जो बना लिया था, वो उसको डाल देंगे। अच्छे से चला देंगे, तो क्योंकि सॉस भी हमारा पका हुआ रेडी है, सब्जियां भी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, अच्छी तरीके से सभी चीज़ को मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, तो आधा छोटा चम्मच मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक पहले भी डाल चुके सब्जियां पकाते समय, तो इस समय टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें। तो मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और ये रही हमारी स्पेगेटी जो अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो इसको हमें इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना, अगर एक साथ डाल देंगे तो मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छी तरीके से इसको हम ऊपर नीचे करके मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप दो फोक ले लें, उससे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, ऊपर नीचे करने में बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप ऐसे स्पून या किसी बड़े चम्मच से करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। तो बनाना बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप स्पेगेटी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, किसी इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस अब इसको हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसी समय इसमें आप थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं। उसके पहले हम डालेंगे थोड़ा सा सॉस। तो यहाँ पर मैंने टमाटो सॉस लिया है, आप और पास्ता है, रेड सॉस स्पेगेटी है, तो हम इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें डालना है टमाटो सॉस। अच्छे से मिक्स कर देना है, थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे चिली फ्लेक्स। तो बस अब हम रेडी कर लेते हैं। तो रेडी हो चुका है। तो तरीका है इसको ऐसे निकाल कर, किसी भी आप ये देखिए स्पैचुला से ले लें, राउंड राउंड करें और इसको ऐसे पकड़ के ही हमें निकालना होता है। इस तरीके से बनाकर आप जरूर ट्राई करिए। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।